शिष्टे मुक्षो मुक्षते शोमनिरे सेंसेंद्रे अतोगनिरे बोमोरे गतोचमस। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त ज्ञानेश्वर चौहान, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। मैं ज्ञानेश्वर चौहान मोटिवेशनल स्पीकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनर फिटनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे बेहतरीन एक्सरसाइज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपको सेहत बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके जो प्रॉब्लम्स है, कमर हिप में प्रॉब्लम्स है, घुटने में प्रॉब्लम्स है, या डाइजेशन में प्रॉब्लम्स है, या आपको खाना हजम नहीं होता है, पचन नहीं होता है, आपका पेट की समस्या है, उसमें सबको ये वीडियो राहत देने वाला है, अच्छा होने वाला है वीडियो। देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर ये वीडियो मेरा आप अंत तक देखते हो तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ, आपके स्कूलों में अगर आप सेल्फ डिफेंस यानी फिटनेस सेमिनार लेना चाहते हो तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपके स्कूलों में बेहतरीन ये सेमिनार लेने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में समझ में आया होगा कि आपके स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी है, उसको सेल्फ डिफेंस फिटनेस की ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों वो मेंटली और शारीरिक स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे। दोस्तों, आपके स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे, आपको लगता है कि मेरी जो स्कूल है बहुत ही डेवलप हो, अगर आपके स्कूल डेवलप करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को भी ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको उसके मेंटली, आपको उसको स्ट्रांग कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वो शारीरिक भी स्ट्रांग रहे दोस्तों और हेल्दी रहे। अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके जो आर्दाश शक्ति है, जो माइंड की जो पावर है, वो अगर बढ़ाना है तो ये ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज से आप लोगों के जो मेंटली और शारीरिक जो पावर है वो बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, मेंटली और शारीरिक स्ट्रांग होता है, ये उन बच्चों को एक्सरसाइज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम ज़्यादा देरी न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कौन सी एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो पहली जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। सिष्टे मुक्षो मुक्षते शोमनिरे सेंसेनिरे अतोगनिरे डोमारे गतोचमस। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर चौहान मोटिवेशनल स्पीकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनर फिटनेस कोच आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को, जो लोग 50 साल के हो चुके हैं और 50 साल में भी बूढ़े दिख रहे हैं, तो आजकल तो दोस्तों 30 साल के लोग भी बूढ़े दिख रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है। आइए दोस्तों, ये अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप काफ़ी यंग दिखोगे, जवान दिखोगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को घुटनों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, हिप में दर्द है, स्टमक का प्रॉब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे आप लोगों को बेहतरीन एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, चलो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली जो एक्सरसाइज है वो हम सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहली जो एक्सरसाइज है वो है दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लोग तो बोल रहे होंगे कि सर मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो आप लोगों के लिए अलग से एक्सरसाइज करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आपको दीवार को थोड़ा सा टच करना है, सपोर्ट लेना है और ये एक्सरसाइज चालू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके घुटनों के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आपके कमर के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आपके जो स्टमक है उसके भी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आपको डाइजेशन नहीं होता है ठीक से, आपका पेट के अंदर दर्द होता है ये भी ठीक होने लगेगा। तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए। ये हो गई दोस्तों नंबर एक एक्सरसाइज। और जो दूसरी जो एक्सरसाइज है आप लोगों को करना है,
काफी अच्छी है दोस्तों, काफी अच्छी है, मैं इसको हर दिन करता हूँ और आप लोग भी करिए और हेल्दी रहिए। चलो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए हम इस दूसरी एक्सरसाइज को करते हैं। क्या दोस्तों आपको लगता है कि दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है? तो ज्यादा हम देर नहीं करने वाले, जल्दी से जल्दी हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले। चलो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हुए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये जो दूसरी एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को इस तरह खड़ा होना है और पूरा स्ट्रेच करना है। देखो आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इस तरह एक्सरसाइज करना है। आप लोगों को मैं और बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आइए हम और रिपीट ये एक्सरसाइज को करते हैं। आपको कंफर्टेबल ये यहाँ से इस तरह खड़े हो जाना है और ये एक्सरसाइज करना है दोस्तों। ये देखो, चलो गो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। और इसके बाद हम तीसरी एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज है आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो तीसरी एक्सरसाइज है बहुत ही काफ़ी हमारे लोगों के ये जो फैट है वो बहुत ही बढ़ चुका है, तो इसको हमको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो दोस्तों एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को सिंपल यहाँ पे खड़े हो जाना है और तुरंत यहाँ पे मैं बताऊँगा, आप लोगों को दीवार का सपोर्ट लेना है और आप लोगों को इस तरह ये मूवमेंट्स करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब ये सही से करना है आपको। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये दूसरी तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिसके भी मेरे दोस्तों के ये जो साइड के जो चर्बी बहुत बढ़ चुकी है उसके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। दोस्तों इसी तरह और भी हमें एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज करना है। चलो दोस्तों वो भी हम बताएंगे कि वो एक्सरसाइज हम कैसे करें। दोस्तों आपको इस तरह खड़े हो जाना है, आप देख सकते हो, दीवार का सपोर्ट लेना है आपको और आपके पैर के अंदर थोड़ा डिस्टेंस लेना है। आइए दोस्तों हम करते हैं शुरू। ये जो चौथी एक्सरसाइज है वो है दोस्तों ये एक्सरसाइज, उसके वो पहली इसके जो पहले हम एक्सरसाइज किए थे वो ही सेम है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही डिफरेंस है थोड़ा। तो इसके लिए हमारी साइड की जो चर्बी है पूरी खत्म होने वाली है और आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही लोगों को दिक्कत है, बहुत ही बड़ी बड़ी चर्बी यहाँ पे हो गई है, तो उसको अगर कम करना है तो ये एक्सरसाइज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पे दीवार का सपोर्ट लेना है आप लोगों को, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और दूसरी साइड से हमें करना है दोस्तों, सेम एक्सरसाइज करना है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गई दोस्तों एक्सरसाइज हमारी, चौथी एक्सरसाइज हो गई। हम इसके पहले तीन एक्सरसाइज कर चुके हैं और ये चौथी एक्सरसाइज है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी और इसके बाद में हम जिसको भी कब्ज की प्रॉब्लम है, जो पैर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें अलग से एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
जिसको घुटने में दर्द है वो ज़्यादा ना करे, उसके लिए मैं एक साइज नहीं है, जो जिसके घुटने अच्छे हैं उसके लिए एक साइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज को किस तरह करना है वो आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। आप लोगों को किस तरह खड़ा होना है और आपके घुटने आपको टच करना है घुटने को और यहाँ पे नीचे बैठ जाना है। ये आपको ये एक्सरसाइज 10 टाइम करना है। चलो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों इस तरह हमें ए एक्सरसाइज करना है, जैसे कि इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं उसी पोजीशन में ए एक्सरसाइज करना है आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम और इसके बाद की एक्सरसाइज और दिखाने वाले हैं, जो इस तरह एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो लोग जो इस तरह ऊपर उठने खड़ा नहीं हो सकते, उसके लिए हम अलग से एक्सरसाइज दिखाएंगे। तो काफ़ी हमारे दोस्त है वो बोल सक काफ़ी हमारे दोस्त है वो कह सकते हैं कि हम इस तरह हमको खड़ा नहीं होता है, हम 50 के ऊपर चले गए, हम 50 साल के हो गए हैं और हम इस तरह एक्सरसाइज नहीं करना आता, प्रॉब्लम होता है। तो हमें अलग से एक्सरसाइज मैं सिखाने वाला हूँ, आप कहीं मत जाइए, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आप लोगों को पूरा दीवार का सपोर्ट लेना है, इस तरह आपको एक्सरसाइज करना है। चलो दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते हम शुरू करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों इस तरह ये एक्सरसाइज आप लोगों को मैं सिखाया और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने हर तरह के जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया हूँ। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये जो मेरे वीडियो है बहुत ही खास हुआ है आज के इस टॉपिक में, और इस लास्ट में ये वीडियो में कहना चाहता हूँ, आपके स्कूलों को अगर आप उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हो, आपके स्कूलों में अगर अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम रखना चाहते हो कि आपके स्कूल अच्छा स्ट्रगल हो स्कूलों का और अच्छा नाम कमाए और अच्छा सा काफ़ी आप बच्चों को एजुकेशन दे, तो उसी अगर आप ये सोचते हो तो ये सेल्फ डिफेंस सेमिनार लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इस सेमिनार में मैं आपके स्कूलों में स्टूडेंट को फिटनेस, एक्सरसाइज, योगा, बहुत ही ऐसे मोटिवेशनल मोटिवेट करूंगा बच्चों को कि किस तरह हमें पढ़ना है, हमारा गोल किस तरह हासिल करना है, हमें किस तरह हमारा खुद का ख्याल रखना है, हमें स्टडी कैसे करना है, ये सब जानकारी हमें इस सेमिनार में दूंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको पता है कि एक दौलतमंद इंसान बहुत ही नाम कमा चुका है हमारे देशों में, कमा रहे हैं दौलतमंद। आप पाके आप बड़ा बनना चाहते हो तो उसका आप फेमस बनना चाहते हो, प्रसिद्ध बनना चाहते हो, लेकिन दोस्तों ये गलत है। दोस्तों अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कितना भी दौलतमंद हो जाइए, आप जीरो है दोस्तों। जीरो क्या है? जीरो। आपके पास कितना भी पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन दोस्तों आप सेहतमंद नहीं है तो जीरो है। अगर आप सेहतमंद बनना चाहते हो तो मेरे ये सेमिनार आपके स्कूलों में रखिए। मैं पेरेंटिंग सेमिनार भी लूँगा और स्टूडेंट के लिए भी, बच्चों के लिए सीखूंगा। आपके जो स्कूलों में जो टीचर है, टीचर को भी मैं ट्रेनिंग दूंगा किस तरह हमें हमारे सेहत को अच्छा रखना है और हमें बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, हमें किस तरह हमारे स्कूलों में हमारे स्कूलों को डेवलप करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपके स्कूलों में सीखूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके स्कूल का आप नाम कमाना चाहते हो तो बच्चों को, अगर बच्चों के भविष्य की आप सोच रहे हो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो आपको बच्चों को एक हेल्दी रखना चाहते हो, निरोगी रखना चाहते हो तो आपको फिटनेस सेल्फ डिफेंस का सेमिनार आपको रखना पड़ेगा। आप उसके जो आपके स्कूलों में आप एजुकेशन दे रहे हो, एजुकेशन के साथ में आप एक फिटनेस की जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी होता है कि निरोगी शरीर क्या है, निरोगी शरीर हमें क्यों ज़रूरत होती है, हमें निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें पढ़े के साथ में हमें व्यायाम की क्यों ज़रूरत होती है, हमें हेल्दी रहने की क्यों ज़रूरत है, ये सब मैं सिखाऊंगा। अगर आपके बच्चे आपके स्टूडेंट हेल्दी है तो भी स्कूल में मन लगेगा, पढ़ेंगे काफ़ी लोग। अगर आपके स्कूलों में आप ये सेमिनार लेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूलों में एडमिशन होंगे, बहुत सी आपका स्कूल नाम कमाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो।
हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।